हेलो एवरीवन, वेलकम टू पम्पास रेसिपी। आज मैं पायश बनाऊंगी, जिसे खीर या पायसम कहते हैं। तो मैं सबसे पहले 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेकर रखी हूँ और जिसे मैं अभी उबाल रही हूँ। इसे हमें कुछ देर तक उबालना है, अराउंड 5-6 मिनट हम इसे उबालेंगे। इसके बाद हम इस पर चावल छोड़ेंगे और स्टीर करते रहना है। पायस की एक अलग सी चावल आती है, अगर आपको मिलते हैं जोहा चावल या गोविंद भोग चावल वो आप ले सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। अगर आपको वो चावल ना मिले तो आप, मैंने जैसे कि यहाँ पर कुछ छोटी टुकड़े बासमती चावल लिया है और मैं इसे यहाँ पर अभी उबालूंगी। तो मैंने 10 मिनट से दूध उबालना शुरू किया था, अब मैं चावल को डाल रही हूँ और अब इसे हम पकने देंगे। यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट से इसे इस तरह से पका रही हूँ। दूध थोड़ी थिक और थिकनिंग हो गई है, चावल भी ऑलमोस्ट उबल चुका है यहाँ पे खीर के लिए। तो इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी कटी हुई आलमंड में डाल रही हूँ और आप चाहे तो काजू भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी तक मैंने शुगर डाला नहीं, शुगर मैं एकदम एंड में ही डालूंगी और थोड़ी देर पकाऊंगी। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी इलायची की पाउडर यहाँ पर डाल रही हूँ, जिसकी वजह से फ्लेवर बहुत अच्छी निकलेगी। और अब ऑलमोस्ट ये पक चुका है, तो इस स्टेज पर मैं ये शुगर डाल रही हूँ। आप शुगर आपके मीठा के हिसाब से ही आप डालें, जो कम खाते कम डाल सकते हैं, जो ज्यादा खाते हैं तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर सकते हैं। एक और उबाल के बाद मैं गैस को ऑफ कर लूंगी और फिर मैं सर्व के लिए इसे निकाल लूंगी। तो यहाँ पर हमारी खीर बनके तैयार है और मैं यहाँ पर कुछ गार्निशिंग अलमोन के साथ की हूँ। आप चाहे तो इस पे काजू बादाम डाल के भी आप कर सकते हैं। और इस तरह की सिंपल प्लेन पायसम या खीर बनाकर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।